शहरातील नगरपालिका शाळा क्रमांक 13 येथे उर्दू शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. पाहूयात ही बातमी. विद्या निकेतन के अंदर आई हुई है. महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहली मरतबा
हम लोग करीब करीब एक साल से DICPD और जिला परिषद सतारा के अंदर यू के साथ हम बात किए थे कि भाई हमारे उर्दू मीडियम की जो है उर्दू परिषद की जाए, तो उस उर्दू परिषद के लिए हम लोगों ने हमारे सर मुजावर सर आसिफ सर मैं भी खुद और हमारे कुछ संगठन के आखिर वर्ग के उर्दू शिक्षक संगठन के कुछ हजरात थे, मेरे कुछ साथी थे जुबेर मुर्गावकर परवेज सर शराबत बेग सर जावेद सर वगैरह और भी हमारे साथी लोगों ने बहुत बार कोशिश करने के बाद भी जो है गवर्नमेंट ने भी इस वक्त जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज सर पूरे महाराष्ट्र में आज पहली मरतबा और सातारा की हिस्ट्री के अंदर पहली मरतबा जो है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की कोशिश और गवर्नमेंट की कोशिश की वजह से और तौसीफ पुणे वाले जो है तो तौसीफ सर जो है उनकी कोशिश की वजह से जो है सातारा के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक उर्दू शिक्षण परिषद पहली बार भर गई। सातारा जिले में उर्दू शिक्षण परिषद ये नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 13 यहाँ पर रखी गई है और इस परिषद के जरिए जिले के तमाम उर्दू स्कूल के टीचर यहाँ पर मौजूद है जो एक दूसरे से सवालात के जरिए जो भी उनकी अड़चन रहती वो सवालात के जरिए क्या करते हैं दूर करते हैं। किसी स्कूल को अगर राज्य लेवल पर पुरस्कार मिला है तो उसको जो पुरस्कार मिला वहाँ के टीचरों ने जो काम किया वो यहाँ पर अपने राय रखते हैं कि भाई जिस तरह से हमने काम किया था ये हमारी रूपरेखा थी तो बाकी जो स्कूल है ये भी उनसे सीखकर अपने स्कूल डेवलप किस तरह करें और सबसे असल मकसद ये है कि हमारी जो मातृभाषा है उर्दू इसको हम किस तरह से तरक्की दें और हमारे बच्चों को आला से आला मकाम पर पहुँचाए बस यही कोशिश है और इसी का नाम है उर्दू शिक्षण परिषद। और आज यहाँ पर 28/9/2019 मकाम नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 13 यहाँ पर DICPD इनके जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है तो मैं DICPD इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने उर्दू लैंग्वेज की तरक्की के लिए खास तौर पर इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया और वो इतने लोग सारे मेहनत ले रहे हैं और यहाँ पर जो तटकरे मैडम जो आए हुए अधिवक्ता था DIPCG के कोड़ेकर सर और अबुआ सर इन्होंने बहुत सारी मेहनत ली है बस मैं इतना कहूँगा अल्लाह हाफिज़।